Hello students, we'll continue with the chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. And this is the part 13 of the video. आज हम पढ़ने वाले हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया इन दोनों डिजीज़ के बारे में. इससे पहले का जो जितना भी पोर्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया से पहले का वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ. आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है. और मैंने अभी रिसेंटली क्लास 11th के बुक में जो चेंजेस हुए हैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे. क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उस जो लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया. देखिए, फिनाइल कीटोनूरिया हम एक पहली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं. वो फिनाइल कीटोनूरिया हमने कवर किया था जब हमने टॉपिक पढ़ाया था प्लायोट्रोपी, ठीक है. प्लायोट्रोपी के एग्जांपल में हमने फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ को. देखिए, ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है. फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं. क्योंकि इनबॉर्न एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बाय बर्थ प्रेजेंट, ये जो डिजीज़ है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और ये किसी डिसऑर्डर की वजह से होती है मेटाबॉलिक पाथवे के, ठीक है. मेटाबॉलिक जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो मेटाबॉलिज्म में अगर कोई चेंज हो जाए, कोई एरर हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, तो उस टाइप की जो डिजीजेस होती हैं उसको हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जनरली किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है. तो ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ये आपको पता होना चाहिए. हर एक डिजीज़ जो भी आप पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें सब में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किस टाइप की है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है. तो ये याद रखिए कि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ही डिफेक्टिव एलील साथ में प्रेजेंट होंगी तभी डिजीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो मदर या फादर हैं दोनों कैरियर होंगे, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो इंडिविजुअल को डिजीज़ नहीं होगी, सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही डिजीज़ होगी. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स इन एंजाइम. अब देखिए, एक्चुअली इस डिजीज़ में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड होता है उसको कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन अमीनो एसिड में, ठीक है. ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है, और इसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस. अब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उस जीन के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाती है. अब इस एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये कन्वर्शन नहीं होगा. और ये कन्वर्शन जब नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता रहेगा और ये फिनाइल पाइरूविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स भी फॉर्म कर लेगा और ये एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में, ठीक है. और जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन होता है, और फिनाइल पाइरूविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. मतलब ये जो इसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं फिनाइल एलानिन के, जो फिनाइल पाइरूविक एसिड हैं और भी डेरिवेटिव्स हैं, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं क्योंकि ये किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. तो एज अ रिजल्ट द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन. एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो पर्टिकुलर एंजाइम यहाँ पे मिसिंग है. और क्या नाम है उस एंजाइम का, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए. As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. They are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रोपी. प्लायोट्रोपी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं ये टॉपिक. प्लायोट्रोपी में एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ को हमने प्लायोट्रोपी के एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है. दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस.
This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. देखिए, एक जीन जब एक से ज़्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको हम कहते हैं प्लायोट्रोपी. इस जेनेटिक फिनोमिनन को हम कहते हैं प्लायोट्रोपी. तो ये एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, कौन से जीन में, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेट्स बनाता है या फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस के लिए कोड करता है, उस जीन में म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, स्किन का पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा और हेयर का पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा. तो एक ही जीन इन तीनों फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये प्लायोट्रोपी का भी एग्जाम्पल है. क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जेनेटिक फिनोमिना, तो आंसर होगा प्लायोट्रोपी. ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं एक पर्सन का इमेज जो फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफ़र कर रहा है. ठीक है, सो इस तरह से फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़ कवर कर चुके हैं हम. अब आगे हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया के बारे में. ओके, थैलेसीमिया अगेन एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो डिफेक्टिव अलील है वो ऑटोजोम पर सिचुएटेड है. आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, हर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स कह सकते हैं हम, या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं हम. तो इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी का एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर. ठीक है, तो ये जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, इनमें से अगर किसी भी क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट अगर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़. और अगर वो रिसेसिव है, जो पर्टिकुलर जीन वो रिसेसिव है, तो हम इसको डिजीज़ को कहेंगे ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, अब जैसे अगर ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज़ थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से स्मॉल टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि डिफेक्टिव अलील है, तो तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. अब हमने कहा कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंट कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल दोनों नॉर्मल एलील्स है, इस कंडीशन में इंडिविजुअल को डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही डोमिनेंट नॉर्मल एलील्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद दूसरा केस ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक डिफेक्टिव अलील है, लेकिन जो डिफेक्टिव अलील है वो रिसेसिव है, तो इसीलिए उसके साथ में प्रेजेंट जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील के एक्शन को सप्रेस कर देगी, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगी, और इस कंडीशन में भी जो इंडिविजुअल होगा वो नॉर्मल होगा. ठीक है, लेकिन नॉर्मल तो होगा लेकिन वो कैरियर होगा. और तीसरी कंडीशन है स्मॉल टी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो दोनों ही एलील्स हैं दोनों ही रिसेसिव हैं, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा उसको डिजीज़ होगी, थैलेसीमिया डिजीज़ होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों ही एलील्स रिसेसिव हैं. ठीक है, एक चीज़ एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को थैलेसीमिया है तो उसको जेनेटिक जीनोटाइप हम उसका इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज़, तो उसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो एक स्मॉल टी एलील फादर से आई होगी और दूसरी स्मॉल टी एलील मदर से आई होगी. ठीक है, और जो दूसरी एलील यहाँ पे, लेट्स से दोनों मदर फादर दोनों नॉर्मल हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी रहा होगा और यहाँ भी कैपिटल टी रहा होगा. ठीक है, तो अगर एक इंडिविजुअल जिसको थैलेसीमिया है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो हीट्रोजाइगस रहे होंगे, और हीट्रोजाइगस अगर हैं तो इसका मतलब वो कैरियर हैं, डिजीज़ को कैरी कर रहे हैं, उनको खुद को डिजीज़ नहीं है, वो डिजीज़ के कैरियर हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम थ्योरी में क्या लिखा हुआ है बुक में. दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द डिजीज़ और हीट्रोजाइगस. तो किसी भी ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ ये कब होगी, जब उसके पेरेंट्स हीट्रोजाइगस होंगे, मतलब कैरियर होंगे लेकिन खुद वो अनअफेक्टेड होंगे. और ये जो डिजीज़ होती है वो एक्चुअली होती किस वजह से है, इस केस में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अटैच्ड
अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं उनका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो अल्फा और बीटा चेन्स जो अटैच्ड होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, उनका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाता है। रेट यहाँ पे जो की टर्म है जो आपको याद रखना है वो है रेट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि एक आपने सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट था, लेकिन वो एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट था। क्वालिटेटिव डिफेक्ट मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा है बल्कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी में यहाँ पे चेंज आ रहा है थैलेसीमिया के केस में, ठीक है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे की वर्ड है रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से या जो अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स जो होती हैं इनका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाता है, ठीक है। और कौन सी चेन का रेट ऑफ सिंथेसिस कम होता है? ग्लोबिन चेन का रेट ऑफ सिंथेसिस कम होता है अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन चेन्स का, ठीक है। ये ए नहीं बल्कि ये अल्फा है, अल्फा ग्लोबिन चेन और ये बीटा ग्लोबिन चेन, इनका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाता है। और यार इन्हीं पे बेस्ड थैलेसीमिया को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हालांकि एक डेल्टा थैलेसीमिया भी होता है तो, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ अभी आप यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि अल्फा थैलेसीमिया के केस अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दो टाइप का थैलेसीमिया है, जिसमें अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस रेट ऑफ सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन टू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। अब इसकी वजह से जब म्यूटेशन हो जाता है और ग्लोबिन चेन्स कम बनती हैं, इसकी वजह से जो एबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है, ठीक है। अब थैलेसीमिया को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप की जो ग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड है। अब देखिए अल्फा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, ठीक है। अल्फा ग्लोबिन चेन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है, और बीटा थैलेसीमिया के केस में बीटा ग्लोबिन चेन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं वो जीन्स में किस तरह से म्यूटेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने वाले दो जीन्स होते हैं, दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं, HBA1 और HBA2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं, और इनमें म्यूटेशन हो जाती है एक या फिर चारों में, एक दो तीन या फिर चारों में। देखो आपको ये स्टेटमेंट अब समझ में आएगा जब मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। लेट्स से ये अल्फा थैलेसीमिया का केस की हम बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स से ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 16 है, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर नंबर 16 है, और इस पेयर में आपको ये पता ही है जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम ओवम से आते हैं। तो ये वाला क्रोमोसोम मदर से आया होगा और ये वाला क्रोमोसोम फादर से आया होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम पेयर नंबर 16 जो है उस पेयर में दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोजली लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं? जो पास पास लोकेटेड हो, ठीक है। क्लोजली लिंक्ड जीन्स उन्हें कहते हैं जो पास पास लोकेटेड हुए। तो इन जीन्स का नाम क्या दिया हुआ है? इन जीन्स का नाम है HBA1 और HBA2, ठीक है। HBA1 और HBA2, तो ये उसी तरह से, ये तो एक क्रोमोसोम हुआ पेयर का पहला क्रोमोसोम, ये पेयर का दूसरा क्रोमोसोम, इस पे भी सेम लोकस पे दो जीन्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम अगेन, जिनका नाम है HBA1 और HBA2। तो अगर इन चारों में से किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है। अब अल्फा थैलेसीमिया कितना सिवियर है ये डिपेंड करता है कि कितने
जो जीन्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं. सपोज सिर्फ इसी पर्टिकुलर जीन में अगर म्यूटेशन है HbA1 में, तो अल्फा थैलेसीमिया कम सीवियर होगा. ठीक है, उसके बाद अगर दो जीन्स में डिफेक्ट आ गया है तो ज़्यादा सीवियर होगा. तीन जीन्स में, तीन कैसे, एक दो और ये तीसरा, ठीक है, तीन जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो गई है तो ज़्यादा सीवियर होगा अल्फा थैलेसीमिया. और अगर चारों के चारों ही जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है किसी म्यूटेशन की वजह से, तो अल्फा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर होगा. ठीक है, तो ये चार जो जीन्स हैं वो कैसे हो गए, क्रोमोसोम पेयर नंबर 16 के एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स और दूसरे वाले क्रोमोसोम पर दो जीन्स. ठीक है, HbA1, HbA2, HbA1 और HbA2. ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फोर कहाँ से आ गया. जो यहाँ पे थ्योरी में जो फोर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे कि वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स, तो ये फोर जीन्स इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स और दूसरे क्रोमोसोम पे दो जीन्स, इस तरह से फोर जीन्स हो गए. सो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स से कंट्रोल होता है, जिसको हम HbA1 और HbA2 कहते हैं, और वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर. यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं अल्फा थैलेसीमिया के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, ये लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 16 पर. ठीक है, और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि म्यूटेशन या डिलीशन हो जाती है वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स, एक या एक से ज़्यादा जीन्स में, एक दो तीन या चारों जीन्स में म्यूटेशन अगर हो जाती है तो, और जितने ज़्यादा जीन्स में म्यूटेशन होगी उतना ही ज़्यादा सीवियर होगा थैलेसीमिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की. द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस. जितने अल्फा थैलेसीमिया के केस में जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड हैं उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, अब बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की. बीटा थैलेसीमिया जो है वो सिर्फ एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, जिसको हम कहते हैं HBB, और वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये बीटा थैलेसीमिया के केस में क्रोमोसोम पेयर नंबर 11 जो है, क्रोमोसोम पेयर नंबर 11 के दो जी दो क्रोमोसोम्स होंगे. अब इन दोनों क्रोमोसोम्स पर लेट से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे HBB नाम का एक जीन प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली बात है उसी सेम लोकस पर दूसरे क्रोमोसोम के उसी सेम लोकस पे या उसी सेम पोजीशन पे दूसरा HBB प्रेजेंट होगा, दूसरा जीन प्रेजेंट होगा HBB. अब इस HBB जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, या तो इस वाले जीन में या फिर इन दोनों ही जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो वो बीटा थैलेसीमिया का कारण बनती है. ठीक है, तो अगर म्यूटेशन अगर हो रही है दो एक जीन में या दोनों ही जीन्स में, तो वो उसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया होता है. और कौन से क्रोमोसोम है रिस्पॉन्सिबल है बीटा थैलेसीमिया के लिए, क्रोमोसोम नंबर 11, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर लोकेटेड होते हैं बीटा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है. तो वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, एक या दोनों ही जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 11 के, तब बीटा थैलेसीमिया होता है. अब देखिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस है. सिकल सेल एनीमिया आप प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था कि जो हीमोग्लोबिन की जो चेन थी, बीटा जो ग्लोबिन चेन थी, ग्लोबिन चेन का जो स्ट्रक्चर था वही चेंज हो रहा था. लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्वांटिटी चेंज हो रही है. ग्लोबिन चेन की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है, वो कम बन रही है. सो थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. मतलब थैलेसीमिया के केस में बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसके केस में जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो इनकरेक्ट बनती है या डिफेक्टिव होती है. ठीक है, तो थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है और सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में. ये सिकल, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल RBC आपको शो की गई है जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और ये थैलेसीमिया के केस में जो RBC का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो आपको दिखाया गया है. और ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी कम बन रही है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज़
video, and we'll continue with chromosomal disorders in the next video. Thank you.